शाहजहांपुर के पोलाईकलां में पीएम आवास योजना के पात्र हितग्राही के लिस्ट की दोबारा जांच को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आवास योजना के हितग्राहियों के लिस्ट की दोबारा जांच को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जब तत्कालीन कलेक्टर और नगर परिषद के द्वारा 25 फरवरी साल 2020 को सूची का अनुमोदन कर राज्य शासन को भेज दिया है तो फिर जांच का प्रश्न उठता ही नहीं है। मामले को लेकर नगर परिषद पोलाईकलां में एक बैठक भी हुई जिसमें विधायक कुणाल चौधरी ने जांच टीम को स्पष्ट निर्देशित किया है कि विधानसभा क्षेत्र में राजनीति नहीं होने दूंगा, गरीब वर्ग को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले इसका ध्यान रखा जाए। स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से गरीब लोगों के आवास रोकने की कोशिश सरकार के द्वारा करी जा रही है, जिन 312 लोगों को पात्रता हो चुकी है जिनके पैसे आने चाहिए थे उनको रोकने के लिए कई नेताओं ने और कई अधिकारियों ने स्पष्ट कोशिश करी तो उसके खिलाफ में आया था कि आप जो पात्र छूट गए उनको जोड़ने का काम करें और ये नहीं करें कि 1.5 साल के अंदर किसी ने छोटा मोटा अगर कंस्ट्रक्शन कर लिया गरीब आदमी ने कि घर गिरता था एक दीवार बना ली तो उसको अपात्र करने के लिए एक बड़ी साजिशन के तहत कैसे पोलाईकलां के नागरिकों को जो सरकार का लाभ मिलना चाहिए उसे रोकने की कोशिश सरकार कर रही है। तो मैंने इस संबंध में चर्चा भी करी, एसडीएम साहब से भी करी, कलेक्टर साहब से भी करी, जांच अधिकारियों से भी करी कि एक भी पात्र व्यक्ति को साथ अगर धोखा करा तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी और हम सड़क पे आके संघर्ष करेंगे। कोई भी व्यक्ति मेरे क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से पात्र लोगों के साथ अधिकारों के खिलाफ नहीं जा सकता।